हरियाणा की चुनावी सरगर्मी में एक ही चर्चा है कि कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट कब जारी हो रही है। हरियाणा के कांग्रेसी नेता हर रोज उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की लिस्ट आज आ सकती है, लेकिन शाम होते होते उनकी उम्मीदें धूमिल हो जाती हैं। लेकिन इससे कहीं ज्यादा इस बात की चर्चा है कि हुड्डा और एसआरके में मचे घमासान में बाजी कौन मारेगा। सबसे ज्यादा चर्चा महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट को लेकर है, जहां हुड्डा खेमा राव दान सिंह की टिकट फाइनल बता रहा है, तो एसआरके गुट किरण चौधरी की बेटी और बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी की टिकट। दरअसल हुड्डा खेमे की कोशिश है कि राव दान सिंह को इस सीट से टिकट दिलाकर दीपेंद्र हुड्डा की रोहतक से जीत का मार्ग प्रशस्त किया जाए। हुड्डा खेमे को उम्मीद है कि अगर भिवानी लोकसभा सीट से राव दान सिंह को टिकट मिलती है तो भले राव दान सिंह लोकसभा चुनाव हार जाए, लेकिन उनकी वजह से दीपेंद्र हुड्डा की रोहतक लोकसभा से जीत आसान हो जाएगी, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में अहीर मतदाता ही दीपेंद्र हुड्डा की जीत में रोड़ा बने थे। कोसली विधानसभा में दीपेंद्र की हार ने लोकसभा में उनकी हार सुनिश्चित की थी। अब हुड्डा खेमा राव दान सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह को टिकट दिलाकर अहीर मतदाता को साधने में लगा हुआ है, जिससे दीपेंद्र हुड्डा की रोहतक जीत सुनिश्चित हो सके। उधर किरण चौधरी का तर्क है कि भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट बंसी लाल परिवार की विरासत है। इस परिवार ने भिवानी में कांग्रेस को जिंदा रखा हुआ है। अगर बंसी लाल की पोती श्रुति चौधरी को टिकट नहीं दिया जाता है तो कांग्रेस की हालत इस क्षेत्र में और खराब होगी। दोनों ही खेमा अपनी बातों को लेकर डटा हुआ है। करीब 15 दिनों से हुड्डा खेमा और एसआरके खेमा में घमासान मचा हुआ है, लेकिन टिकटों को लेकर उम्मीदवारों के नाम तय नहीं हुए हैं। कांग्रेस आलाकमान ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री की अगुवाई में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई, जिसकी 6 बैठकें हुई, लेकिन किसी भी बैठक में नामों पर सहमति नहीं बनी। फिर सलमान खुर्शीद की अगुवाई में सब कमेटी बनी, इसकी भी 2 बैठकें हो चुकी हैं। इस कमेटी ने हुड्डा खेमा और एसआरके गुट के नेताओं से चर्चा करके एक रिपोर्ट तैयार की है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी गई है। लेकिन हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के बीच मचे घमासान को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं। अब उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला राहुल गांधी लेंगे, जो कि वायनाड के चुनाव में व्यस्त हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा अब 26 अप्रैल के बाद ही हो पाएगी। हालांकि कई लोगों का मानना है कि रणनीति के तहत ही कांग्रेस टिकटों के ऐलान में देरी कर रही है। उसको लगता है हरियाणा में चुनाव 6ठे चरण में है, ऐसे में लोगों के बीच कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर चर्चा है, जो कि कांग्रेस के ही फायदे में है। कांग्रेस के टिकट घोषणा में देरी को आप कांग्रेस के लिए फायदा मानते हैं या नुकसान, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।